अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है रमज़ान स्पेशल, और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है चना चाट। और मज़ेदार से चना चाट कैसे तैयार होगी, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 3 आलू उबाल लिए, ऐसे काट लिए, ठीक है। ये एक प्याज है, एक हरी, 2-3 हरी मिर्ची हैं, ये टमाटर है। मतलब तमाम सारी चीज़ों को आपने आलुओं के अंदर डाल देना है। हाँ जी, और इसके अलावा चना चाट है, तो आप इस चनों को पहले बॉईल कर लिया है। वो भी मैं बेटा आपको बताती हूँ ना, अभी ये पहले ना कर लो ना। तो कितना प्यारा रंग बिरंगा है, वाइट, ग्रीन और येलो। अच्छा जी, ये देखिए, ये इमली का रस है, ये इमली का पल्प हम लोगों ने निकाल लिया था इसमें। तो इसके वजह से बहुत ही मज़े की जो होती है वो हमारी चना चाट तैयार होने वाली है। हाँ जी, ये ना मैंने ना राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, चने मुंह से निकल गया, तीनों रंग के, वादी रोजे की हालत में हो जाता है। हाँ जी, राजमा, काले चने, सफ़ेद चने। अच्छा, ये वो सब थोड़ा सा सोडा डाल के ना मीठा, तो मैंने उबाल लिए थे, बहुत देखें कितने नरम है, ठीक है। मतलब इन तीनों चीज़ों को आपने एक साथ ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। हाँ जी, तो ये नहीं कि मतलब राजमा पहले या राजमा बाद में, नहीं नहीं, रात मैंने भुगो दिए थे। अच्छा ठीक है ना, अब ये मैंने उबाले तो मैंने कहा साथ में चने की चाट बना। बहुत ही मज़ेदार सी इजी वे से बनने वाली चने की चाट है। मतलब अभी फिलहाल हम लोगों ने इसके अंदर जो सी है चीज़ें वो डाली, लेकिन अभी हमने स्पाइसेस ऐड नहीं किए। तो फिर आप लोगों ने देखना है कि स्पाइसेस हम लोगों ने कौन कौन सी ऐड करनी है, कितनी क्वांटिटी होगी, हम आप लोग को अपनी मिकदार के हिसाब से आइडिया दे रहे हैं। अच्छा, तो आप अपना मसाले अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। हाँ, डालूं मैं? हाँ जी जी जी, बिल्कुल आप डालें। तो मतलब अगर आप लोगों ने कम ज़्यादा करना है तो आप लोग अपने मिकदार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये चाट मसाला, ठीक है, हाफ टेबल स्पून। हाँ जी, चाट मसाला। अच्छा जी, ये आधा चम्मच नमक, नमक, ठीक है, ये क्योंकि रोज़े हैं, मिर्च ज़्यादा नहीं डाल, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है इसलिए। अब इसमें चीनी मैं डालती हूँ, हम लोग ना पसंद करते हैं मीठी चाट, ये हल्का सा फ्लेवर, मीठा हाँ भी होना चाहिए, 3 चम्मच बहुत है। तो दही भी इसके अंदर डाल सकते हैं? हाँ, दही भी डाल सकते हैं, पर मैं दही नहीं डाल रही, मैंने इमली डाली है। ओके ठीक है। अच्छा, मतलब अब हम ना इसे मिक्स कर लेते हैं, आप बातें करो मैं बातें करूँ। अच्छा, तो अपने प्यारा कलर आ गया। तो व्यूअर्स, आप लोग अपनी इफ्तारी में क्या क्या बनाते हैं, मतलब आप लोग ये चाट बनाते हैं, चाट जो उनसे डेली बेसिस पे बनती, चाहे फ्रूट चाट हो, चना चाट हो, या वो क्रीम की चाट हो, मतलब ये लाजमी बनती हैं। हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हेल्दी चीज़ को बनाएं, और आप लोग भी मतलब बनाते होंगे। लेकिन अगर आप लोग को चना चाट बनानी नहीं आती थी, तो आज कुकिंग विद नाज़नीन में आप लोगों ने चना चाट बनानी सीख ली है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और हमें अपनी फीडबैक देनी है कि ये जो रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की आपको कैसी लगती है। तो मम्मा, बस सिंपली इसको मिक्स करना है और ये हमारी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तो बहुत ही इजी है, झटपट बनने वाली। जस्ट आप लोगों ने इसको बॉईल करना है, चनों को, आलू, राजमा और चने हमने 2 तरह के लिए हैं, काले और सफ़ेद। हाँ जी, और उसके बाद अच्छी इन सब चीज़ों को आप लोगों ने, अगर आप मसाला तेज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा मसाला डालें, बस ये तैयार हो गई हमारी चाट, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये लें जी, ये है हमारी चाट का फाइनल लुक। तो 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये बन गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी हमारी रेसिपी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर कोई आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर सजेशन दे सकते हैं। तो वो व्यूअर से इजाज़त ले लें हम लोग, हाँ जी, क्योंकि वो सारे का टाइम भी हो रहा है, जल्द से जल्द हम लोग अपना दस्तखान को सजाते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। सबको वंस अगेन रमज़ान मुबारक, 3रा अशरा शुरू हो चुका है, तो आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मगफरत का अशरा है और ताक रातों का ये अशरा है, तो अब अल्लाह ताला हमें वो ताक रात नसीब करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमसे राज़ी हो जाए, और इस वबा को हमारे मुल्क से दूर कर दे, बल्कि इस ये आलमी वबा है, पूरे आलम से इसको ख़त्म कर दे। तो व्यूअर्स, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।